आज हम बात करेंगे एनोमली स्कैन के बारे में। प्रेगनेंसी के बीच में अल्ट्रासाउंड करके एनोमली स्कैन कराना क्यों जरूरी होता है? एनोमली स्कैन को ही फेटल एनोमली अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। यह एक प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसको 18 से 22 वीक के प्रेगनेंसी के बीच में किया जाता है। इसके हेल्प से फेटस एबनॉर्मलिटीज और डेवलपमेंट इश्यूज को पता लगाया जाता है, जैसे हार्ट डिफेक्ट्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, एबनॉर्मलिटीज इन ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, किडनी, लिम्स। इसके हेल्प से एसेस किया जाता है हेल्थ और डेवलपमेंट ऑफ फेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ एनोमली स्कैन। ये टिपिकली रिकमेंड किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को। 1 नंबर में एसेस फेटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे का ग्रोथ के साथ साथ उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है वो देखा जाता है। 2 नंबर में डिटेक्ट एनी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज और बर्थ डिफेक्ट्स, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज में टेटरोलॉजी ऑफ एलर्ट, ब्रेन, स्पाइन, किडनी एबनॉर्मलिटीज। 3 नंबर में इवेलुएट द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का पोजिशन, अम्बिलिकल कॉर्ड, एमनियोटिक फ्लूइड लेवल्स, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखा जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड एडिक्वेट होता है तो उसको पोलीहाइड्रोमिनोज बोलते हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड घटने लगता है उसको ओलिगो बोलते हैं। 4 नंबर में एसेस द पोजिशन ऑफ फेटस, नॉर्मली केफालिक प्रेजेंटेशन रहता है, और भी है जैसे ट्रांसवर्स, ऑब्लिक और ब्रिज प्रेजेंटेशन। फेटस के पोजिशन के साथ साथ हेल्थ ऑफ द यूट्रस को भी एसेस किया जाता है। 5 नंबर में डिटरमाइन द नंबर ऑफ फेटस, ये खास करके मल्टीपल प्रेगनेंसीज में होता है। एनोमली स्कैन खास करके इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अर्ली डिटेक्शन होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चा के डेवलपमेंट में तो डॉक्टर के सलाह अनुसार उसको सुधार किया जाता है, नहीं होने वाला होता है तो बच्चा को डिलीवर करने से पहले पता चल जाता है, तो आदमी उसको कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा वो डिसीजन ले सकता है।